हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं, वहीं बीएसपी और एलएसपी के साझा प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार को और तेज करते हुए ननिहाल झाड़सैंतली पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वे समाज की मौजूदगी में अपने पक्ष में समर्थन की अपील की। साथ ही भरोसा दिलाया कि वो हमेशा इस गांव का आदर और सम्मान करेंगे। वहीं मंदिर सिंह मान ने कहा कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इसी गांव में रहकर प्राप्त की है, ये मेरा ननिहाल होने के साथ साथ मेरे शैक्षणिक होने का प्रमाण और अभिमान है। झाड़सैंतली गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब सिर्फ इन चुनावों में आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। मंदिर सिंह मान ने इस पंचायत में सभी युवा साथियों को भरोसा दिलाया कि वो अपने सभी वादों को प्राथमिकता देंगे और फरीदाबाद के विकास में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इस मौके पर ग्रामीणों ने मंदिर सिंह मान का पगड़ी पहना करके सम्मान किया और साथ ही भरोसा दिलाया कि वो तन मन और धन से मंदिर सिंह मान के साथ खड़े हैं। फरीदाबाद लोकसभा से भारी बहुमत के साथ जीतकर अब की बार मंदिर सिंह मान को संसद में भेजेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी मंदिर सिंह मान ने कहा कि आज वो अपने ननिहाल में अपने लिए वोट मांगने आए हैं और यहाँ के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए भारी मतों से जिताने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव को पूरे जोर शोर से लड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाएंगे। वहीं जोश से लबरेज बसपा प्रत्याशी ने कहा कि इस चुनाव में उनके मुकाबले कोई भी प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा। फरीदाबाद से गोविंद अतवर के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट। मुझे पूरे गांव ने, जो मेरे मामाओं का गांव है, इन्होंने पूरा मुझे आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि वे मुझे बहुत भारी मतों से जिता के भेजेंगे, क्योंकि आज जो दोनों पार्टियों की दिशा हो रही है वो पूरे फरीदाबाद में सबको पता है, सबने क्या कर रखा है। और मामा जो मामाओं ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है, जो उन्होंने कहा कि भांजा हमारा अच्छे कार्य कर रहा है और हमें भांजे के साथ लगना, जो आज 36 बरादरी ने पूरे मेरे मामाओं के गांव के ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, वे बहुत ही मुझे हर्ष और उल्लास हो रहा है। अंदर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस एनर्जी के साथ ये लड़ाई इस तरह लड़ी जाएगी कि दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त की जाएगी। मेरी टक्कर में कोई है ही नहीं, दोनों को सबने देख लिया। अब की बार फरीदाबाद की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि दोनों की जमानत जब्त करनी है, क्योंकि मैंने हर गली नुक्कड़ चौराहे बस्ती शहर कॉलोनी सब जगह जाके लोगों के दुख दर्द को मैं उनके साथ रहा, उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया, उनकी सेवा की है। उसी सेवा को देखते हुए मुझे पार्टी ने टिकट दी है। वहीं मुझे मेरे पहले गाँव बस्ती ने, जो सी गांव ने मुझे पूरा आश्वासन दे के पूर्व पंचायत को सफल बना के साथ दिया था 36 बरादरी ने, वहीं आज मेरे मामाओं के गांव ने मुझे बहुत भरपूर आशीर्वाद देकर आज जो मुझे इलेक्शन जिताने का बीड़ा दिखाया, जो इन्होंने कहा कि हम हर तरह से तेरे साथ हैं, तन मन धन से गाड़ी भी लेके भागेंगे, घोड़ा लेके भी हर रिश्तेदारियों में जाएंगे, सबको जगाएंगे और तुमको जिता के संसद में पहुँचाएंगे।